सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। और गाइस, आज की जो हमारी वीडियो वो इस टॉपिक पे है कि जब आप कभी नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपका जो RM होता है या जिससे आप गाड़ी खरीदते हैं वो आपको सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपको इस पे कौन सी एसेसरीज लगवानी है या फिर आपको इस पे टेफ्लोन कोटिंग करवानी है या नहीं। और वो लोग टेफ्लोन कोटिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताते हैं कि आपकी गाड़ी पे स्क्रैच लगेंगे नहीं लगेंगे, ये है वो, बहुत सारे फ़ायदे बता के और आपसे एक मोटी रकम मांगते हैं कि अगर आप वो रुपए देते हैं तो आपकी गाड़ी पे टेफ्लोन कोटिंग कर दी जाएगी और पता नहीं क्या क्या वो बोलते हैं। तो उसी पे ये वीडियो है, तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैंने जिस टाइम पे बलेनो ली थी उस टाइम मेरे से 5,700 रुपये लिए गए थे टेफ्लोन कोटिंग करने के। एंड उस टाइम मुझसे बोला गया था कि अगर आज आप टेफ्लोन कोटिंग कराते हैं तो आपकी गाड़ी लगभग 6 महीने से 1 साल तक आपकी गाड़ी स्क्रैच और स्वेल मार्क्स से एकदम बची रहेगी और इस पे पानी भी नहीं रुकेगा। अगर आप जैसी धोते हैं गाड़ी तो सारा का सारा रेत उतर के आ जाएगा और स्वेल मार्क्स स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। उनने बड़े स्क्रैच की गारंटी तो नहीं ली, बट छोटे बोले कि जिस तरह किसी कुत्ते का पंजा लग जाता है या फिर कांटों से स्क्रैच लग जाता है जब हम रोड पर गाड़ी चलाते हैं, सो वो सब ऐसा कुछ भी नहीं पड़ेगा। बट वो रियलिटी है, मैं बताऊँगा कि सीरियसली ऐसा कुछ होता है या नहीं। तो गाइस, जब आप नई नई गाड़ी लेके आते हैं तो ऑलरेडी उसमें शाइन होती है और वो जब लोग उस पर टेफ्लोन कोटिंग कर देते हैं तो कुछ हद तक वो शाइन ज़्यादा बढ़ जाती है और आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा शाइन करने लग जाती है। बट आप अगर उसको 1 या 2 या 3 या 4 बार धोते हैं, और मैं एक मिनिमम टाइम बता दूँ आपको, अगर आप 1 महीने बाद देखते हैं तो वैसा कोटिंग जैसा कुछ भी नहीं रहता और वो आपकी गाड़ी पर सिर्फ करते हैं, वो ये करते हैं कि आपने खुद ने देखा होगा, अगर आपने घर पे वैक्स यूज़ करते होंगे, पॉलिश यूज़ करते होंगे, सो वो लोग वो पॉलिश यूज़ करते हैं और उस पर रबिंग करते हैं, बफिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी शाइन आ जाती है और हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी पे इनमें सही पे कुछ कोटिंग करी है। बिकॉज रियलिटी किसी ने नहीं देखी, आप वो किसी ने नहीं देखा कि आपकी गाड़ी पे सही में कोटिंग कर रहे हैं नहीं। आप जब भी पूछते हैं कि गाड़ी कहाँ पे है तो वो पीछे बोलते हैं कि हमारे बैकयार्ड में तैयार हो रही है, जो भी उनका जहाँ पे भी वो गाड़ी तैयार करते हैं, एसेसरीज लगाते हैं, वहाँ पे तैयार हो रही है। सो हम लोगों का रियलिटी पता नहीं चलती कि उस पर कौन सी कोटिंग हो रही है। सो टेफ्लोन कोटिंग आज की डेट में एक सबसे बड़ा झूठ है और जो भी कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनको सबसे बड़ी मतलब जल्दी बेवकूफ़ इसी चीज़ से बनाया जाता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि नई नई गाड़ी ली है हम लोगों ने तो कोटिंग कराना अच्छा होगा और हमारी गाड़ी स्क्रैच से बच जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको आपकी गाड़ी स्क्रैचेस से बचानी है तो आपको सिंपल इतना कि मेंटेनेंस करें आपकी गाड़ी का, टाइमली वॉश करें उसको, और महीने में एक बार आप बाहर जाके सर्विस सेंटर में वॉश करा लें ताकि जो नीचे का जहाँ पे रेत लग जाता है, जहाँ पे हमारे घर का जो प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर होता है, उतना तेज़ नहीं होता, सो बाहर सर्विस सेंटर वाले कर देंगे, जो गाड़ियाँ धोते हैं वो कर देंगे। और रही बात शाइन की, तो आप वैक्स भी मार लेंगे, अगर मंथली भी नहीं 2 मंथ में भी एक बार वैक्स मार लेंगे तो भी आपकी गाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है टेफ्लोन कोटिंग, बिकॉज टेफ्लोन कोटिंग ना कराना, बिकॉज आप 350 रुपये का एक वैक्स का डब्बा खरीदें, 450 का बड़ा वाला डब्बा खरीदे वैक्स का फॉर्मूला वन का, और वही सेम अगर आप 5,700 रुपये एक टेफ्लोन कोटिंग के दें, सो ऑब्वियसली अच्छा है कि वैक्स कराएं, क्योंकि एक झूठ है, टेफ्लोन कोटिंग जैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि दूसरी कोटिंग्स आती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि पॉलीमर कोटिंग होगी, सेरेमिक कोटिंग होगी और दूसरी कोटिंग्स, बट टेफ्लोन कोटिंग एक सबसे बड़ा झूठ है और आप प्लीज़ इन चीज़ों में ना पड़ें। बिकॉज जब मैंने एक्टिवा ली थी आज से लगभग 5 साल पहले, सो उस टाइम भी उन लोगों ने मेरे से 800 रुपये चार्ज करे थे टेफ्लोन कोटिंग बोल के, और ये कहा था कि अगर आपकी जो स्कूटी है उसमें 1 साल से पहले स्क्रैच पड़ जाते हैं या टेफ्लोन कोटिंग हट जाती है तो हम दोबारा करके देंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज जब आप उनके पास लेके जाते हो तो वो 100 एक्सक्यूजेज बनाते हैं और आपके जो रुपए हैं वो चले जाते हैं बिना किसी रीज़न के, और ऐसा कोई भी कोटिंग जैसा कुछ भी नहीं होता। सो गाइज़, अगर आप कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं या आपके मन में आ रहा है कि टेफ्लोन कोटिंग दोबारा से गाड़ी में कराऊं, तो प्लीज़ मत कराइए, बिकॉज आपकी रुपए की वेस्टेज है और ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। थैंक्स।